मैं डॉक्टर कन्हैया सिंह आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बीएससी पार्ट टू पेपर थ्री ग्रुप बी के पाठ्यक्रम से इकोसिस्टम के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। और जैसा कि विदित है कि हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो में इकोलॉजी एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम के बारे में हमने बतलाया था, और उसमें हमने स्टर्म इकोलॉजी इकोसिस्टम पारितंत्र के बारे में भी आपके साथ डिस्कस किया था, जो संक्षिप्त था। आज मैं इकोसिस्टम के बारे में डिटेल से आपके साथ बताऊंगा और इसके बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि टीचिंग पॉइंट जो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या क्या इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले इकोसिस्टम क्या है इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। दूसरा जो टीचिंग पॉइंट है वो है कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, हाउ मेनी कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। एंड थर्ड टीचिंग पॉइंट है, तीसरा टीचिंग पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। यही थ्री टीचिंग पॉइंट्स है जिसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। आप एक एक करके इस टीचिंग पॉइंट के बारे में मैं आपको बतलाऊंगा और डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज इकोसिस्टम। फर्स्ट टीचिंग पॉइंट है नंबर वन, टू एंड थ्री। नंबर वन जो टीचिंग पॉइंट है इकोसिस्टम, व्हाट इज इकोसिस्टम, व्हाट इज इकोसिस्टम। अब देखिए इसमें सबसे पहले टर्म इकोसिस्टम इज क्वाइंड बाय टेंसले इन 1935। द टर्म इकोसिस्टम इज क्वाइंड बाय टेंसले इन 1935 में साइंटिस्ट इकोलॉजिस्ट एजी टेंसले के द्वारा इस पारितंत्र इकोसिस्टम टर्म को प्रतिपादित किया गया था। और दूसरा जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है ओडम इन 1971 डिस्कवर्ड सिस्टम। ये ओडम वैज्ञानिक हो गए, फर्स्ट वैज्ञानिक टेंसले रिलेटेड टू इकोसिस्टम, एंड सेकेंड ओडम इन 1971 डिस्कवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। एंड देन वी कैन डिफाइन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का हम लोग डिफिनेशन जो देते हैं वो है कि व्हाट इज इकोसिस्टम, तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इंटरैक्ट देमसेल्फ विथ इन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट देमसेल्फ विथ एनवायरमेंट, इंटरैक्ट देमसेल्फ विथ एनवायरमेंट कॉल्ड इकोसिस्टम। जो जीव है इस पृथ्वी पर और आपस में प्रतिक्रिया करता है, आपस में इंटरैक्ट करता है पर्यावरण के साथ, और उसी को हम लोग पारितंत्र के नाम से जानते हैं, इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। दूसरा डिफिनेशन इन अनदर वे इट मे बी डिफाइंड एज, दूसरे शब्दों में इसको हम लोग परिभाषित करते हैं कि ए सर्टेन एरिया इन विच बायोटिक एंड ए बायोटिक
बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट इंटरैक्ट एंड फ्लो ऑफ एनर्जी लीड्स ट्रॉफिक स्ट्रक्चर फ्लो ऑफ एनर्जी लीड्स ट्रॉफिक स्ट्रक्चर एंड साइकिल ऑफ मटेरियल्स कॉल्ड इकोसिस्टम। इसमें आप डिटेल से देखेंगे, इन अनदर वे इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज ए सर्टेन एरिया इन विच बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट इंटरैक्ट एंड फ्लो ऑफ एनर्जी लीड्स ट्रॉपिक स्ट्रक्चर एंड साइकिल ऑफ द मटेरियल कॉल्ड इकोसिस्टम। अगर सर्टेन एरिया में बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट इंटरैक्ट करता है, एनर्जी फ्लो करता है, जिसके चलते ट्रॉपिक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है और मटेरियल का साइकिलिंग होता है, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। एंड आफ्टर दिस एंड वेजिटेशन इंटरैक्शन बिटवीन सॉइल एंड वेजिटेशन सिर्फ रोकल and these complex interaction phenomenon this complex interaction phenomenon is known as biotic complex। ecosystem में जो interaction soil और vegetation के बीच होता है या इंटरेक्शन सॉइल एंड फौना के बीच होता है, दैट इज रेसिप्रोकल एंड ये दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड बायोटिक कम्प्लेक्स। हम लोग जैविक जटिलता कहते हैं इस तरह के इंटरेक्शन के जो कि इकोसिस्टम के अंतर्गत होता है। तो ये हमने आपको बताया, ये फर्स्ट जो मेरा टीचिंग पॉइंट था इसके बारे में हमने आपको बताया कि व्हाट इज इकोसिस्टम और इकोसिस्टम क्या है। इसके पहले भी हमने आपको बताया था टू इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट, दैट इज एजी टेंसले इन 1935। और दूसरा जो टीचिंग पॉइंट है कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, तो हम लोग कंपोनेंट ऑफ सिस्टम पहले भी हमने आपके साथ चर्चा किया था कि देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ दी कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। अब इसमें देखिए कि हमने आपको टू बताया, इसके अलावा ये पहला ए हो गया आपका एबायोटिक कंपोनेंट और दूसरा जो है बताया हमने आपको, दूसरा है बायोटिक कंपोनेंट, बी हो गया बायोटिक कंपोनेंट। यही दो कंपोनेंट है। अब ए बायोटिक कंपोनेंट के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। ए बायोटिक कंपोनेंट में पहला देखिए इनऑर्गेनिक, दूसरा जो है आपका ऑर्गेनिक कंपोनेंट ये तीन तरह के कंपोनेंट एबायोटिक में होगा, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, ऑर्गेनिक कंपोनेंट एंड क्लाइमेटिक कंपोनेंट। अब ए इनऑर्गेनिक कंपोनेंट का जो एग्जांपल है आप देख लीजिए, इसका एग्जांपल है इनऑर्गेनिक का
आपका कार्बन CO2 O2 H2O ये आपका इसका एग्जाम्पल हो गया। आपका ए बायोटिक ऑर्गेनिक कंपोनेंट में आपका है, ऑर्गेनिक में आपका कार्बोहाइड्रेट लिपिड एंड प्रोटीन, ये आपका बायोटिक कंपोनेंट है। ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, ए बायोटिक कंपोनेंट का पार्ट है। और तीसरा में आपका क्लाइमेटिक हो गया, तो क्लाइमेटिक को हम लोग फिजिकल फैक्टर के भी नाम से जानते हैं। ये हो गया आपका टेम्परेचर सनलाइट सॉइल, ये क्लाइमेटिक है या इसको हम लोग फिजिकल फैक्टर के भी नाम से जानते हैं। तो ये बायोटिक कंपोनेंट में, ए बायोटिक कंपोनेंट मेनली क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। वन इज इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, अदर कंपोनेंट कनेक्ट ए बायोटिक विथ बायोटिक कंपोनेंट। ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो होता है वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट हमेशा ए बायोटिक कंपोनेंट को बायोटिक कंपोनेंट के साथ कनेक्ट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। इस पर आप ध्यान देंगे और इस बात को समझेंगे अपने कॉपी पर नोट भी करेंगे। एक एक चीज को मैं आपको डिटेल से कंपोनेंट के बारे में, बायोटिक कंपोनेंट को भी कई भागों में बांटा गया है। आप देख लीजिए कि ये बायोटिक कंपोनेंट माइक्रो प्लांट्स, सिंथेटिक बैक्टीरिया ये प्रोड्यूसर के एग्जाम्पल है, और इसको हम लोग उत्पादक कहते हैं। और इसका मुख्य काम होता है भोजन बनाना। इसके बाद दूसरा कंज्यूमर 3 प्रकार का हो गया। अब इसमें आप 3 प्रकार में देख लिए, नंबर 1 प्राइमरी कंज्यूमर का एग्जाम्पल है हर्बीवोर। आइए सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीय उपभोक्ता में आ गया आपका हर्बीवोर का एग्जाम्पल हो गया, जैसे आपका काऊ एग्जाम्पल हो गया, काऊ गोट रैबिट डियर, ये सब एग्जाम्पल, काऊ गोट रैबिट डियर ये सब प्राइमरी कंज्यूमर है, जिसको हम लोग शाकाहारी हर्बीवोर कहते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर में हो गया आपका फ्रॉग टर्शियरी को हम लोग कहते हैं टॉप कार्निवोर में आ गया आपका लायन वल्चर। तो इस प्रकार से ये कंज्यूमर हो गया, और कंज्यूमर में आपका जो प्राइमरी कंज्यूमर है हर्बीवोर है, वो हर्बीवोर को हम लोग कहते हैं की इंडस्ट्री ऑर्गेनिज्म। ये प्राइमरी कंज्यूमर जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, की इंडस्ट्री ऑर्गेनिज्म। की इंडस्ट्री ऑर्गेनिज्म का मतलब हो गया कि मैक्सिमम सेकेंडरी एंड टर्शियरी मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म डिपेंड फॉर देयर फूड फॉर हर्बीवोर्स को खाते हैं, इसलिए हम लोग इस हर्बीवोर को की इंडस्ट्री ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से ए बायोटिक कंपोनेंट डीकम्पोजर्स अपघटक, और डीकम्पोजर्स का को हम लोग ये इसका सैप्रोफाइट इसका एग्जाम्पल है अपघटक के, जिसको हम लोग
क्लीनर ऑफ द इकोसिस्टम कहते हैं, क्लीनिंग एजेंट ऑफ द इकोसिस्टम, डिकम्पोजर्स को कहते हैं। क्लीनिंग नहीं रहे तो किसी भी इकोसिस्टम में जितने भी तरह की गंदगी है वो साफ नहीं होगा। ये डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया एंड फंजाई रिस्पॉन्सिबल फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ द डेड एंड डीके बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम लोग, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार? नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम, और दूसरा जो है आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। यही दो तरह का इकोसिस्टम होता है, नेचुरल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम क्रिएट बाय नेचर, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम माइंड मेड, दैट इज कॉल्ड माइंड मेड इकोसिस्टम क्रिएटेड बाय मैन। को भी तीन भाग में बांटा गया है, पहला टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, दूसरा इक्वेटिक इकोसिस्टम, इक्वेटिक, और तीसरा जो बांटा गया है वो हो गया आपका मेरीन इकोसिस्टम, मेरीन इकोसिस्टम। ये तीन भाग में बांटा गया है, ग्रासलैंड फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉरेस्ट ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो गया, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ये जितने भी तरह का है ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के नाम से हम लोग जानते हैं। एक्वेटिक सिस्टम को भी दो भाग में बांटा गया है, एक्वेटिक सिस्टम को दो भाग में बांटा गया है, लेंटिक का रनिंग वाटर, लेंटिक का मतलब होता है रनिंग वाटर, जैसे आपका तालाब है, कुआं है, इसके बाद पानी है, आहार है, पोखर है, सब क्या है, ये स्टैंडिंग वाटर है। उसी तरह रिवर, रिवर जो है रनिंग वाटर की श्रेणी में आता है, तो ये हो गया। इसके बाद मैरीन इकोसिस्टम में आपका सी ओशन, सी और ओशन मैरीन इकोसिस्टम है। इस प्रकार से नेचुरल इकोसिस्टम आता है मैन मेड इकोसिस्टम, मैन मेड इकोसिस्टम कहा गया है। अब माइंड मेड इकोसिस्टम जो हमने आपको यहाँ बताया, जैसे एग्जांपल में हो गया गार्डन, माइंड इज द मास्टर ऑफ इकोसिस्टम, माइंड इज द मास्टर ऑफ इकोसिस्टम। आदमी जो है किसी भी पारितंत्र का मालिक होता है, केम माइंड इज द मास्टर ऑफ इकोसिस्टम कहा गया है, इसलिए कि अकॉर्डिंग टू नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ह्यूमन बींग इंटरफेयर इन द इन्वायरमेंट एंड क्रिएट न्यू इकोसिस्टम। मनुष्य जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार कर आहार पानी को भरकर और नए पारितंत्र का निर्माण करता है, तो इसीलिए कहा गया है कि मैन मेड इकोसिस्टम में मैन इज द मास्टर ऑफ इकोसिस्टम। अब जैसे किसी भी तरह का इन इकोसिस्टम में एनवायरनमेंट में कोई भी परिवर्तन होता है, अब जैसे मान लीजिए कि अभी पूरा विश्व जो है कोरोना वायरस माइंड मेड है या कुदरत का करिश्मा है, ये भी चर्चा का विषय है जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय विषय है, उस पर ज़्यादा कुछ हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये माइंड इज द मास्टर ऑफ इकोसिस्टम इसीलिए कहा गया है कि अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने संप्रभुत्व को कायम रखने के लिए पर्यावरण में इकोसिस्टम में परिवर्तन करता है, जिसके चलते ये एक अलग कैटेगरी बनाया गया है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जिसको हम लोग माइंड मेड इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने जो ये इकोसिस्टम के बारे में बतलाया, आपको डिटेल से बतलाया, समझाया, ये चार्ट पेपर पर क्लासिफिकेशन करके बतलाया, और ये थ्री टीचिंग पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक, वन इज व्हाट इज इकोसिस्टम एंड अदर इज कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम
एंड थर्ड टीचिंग पॉइंट इज टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में हमने डिटेल से आपके साथ डिस्कस किया, बात किया। आप कितना समझे, कितना सीखे, इसके लिए आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर नहीं समझ में आए, किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो आप डिसलाइक भी करें, ताकि हमको ये समझ में आए कि हमको कहाँ सुधार करना है, कहाँ टीचिंग मेथडोलॉजी में और इम्प्रूवमेंट करना है। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।